खासियत यह है कि मोटू के शब्दों में मैं नहीं, मोटू खुद बताएगा। मेरी खासियत यह है कि मैं जब समोसे खाता हूँ तो पावरफुल बन जाता हूँ, और मेरे बारे में जो भी बताएगा पतलू बताएगा। अरे मोटू के बारे में क्या बताऊँ, देखो हमारे सीरियल में जो भी रहते हैं, हमारी फिल्मों में जो भी रहते हैं, वो है चिंगम। अरे बड़ा चिंगम के चक्कू से बचना ये इम्पॉसिबल। डॉक्टर झटका रहते हैं। यार ऐसे मत करो यार, ऐसे गैज में कमाल हो जाएगा यार। खसीटा राम रहते हैं। बुढ़ी बाबा 20 साल का तजुर्बा में इतना भीड़ वाला लॉर्ड कुछ रामलीला को भी नहीं देखा। और बहुत लोग रहते हैं, लेकिन हमारे मोटू जो है उनसे जब भी पतलू कहता है कि समोसे खाओ और शुरू हो जाओ, और मोटू को बड़ा प्यारा लगता है समोसे। खाली पेट दिमाग की बत्ती नहीं जलती। यही है खास बात मोटू में, यही खास बात पतलू। मोटू पतलू आज रामलीला में आए हैं, और क्या मैसेज देना चाहेंगे बच्चों को, क्योंकि ये बच्चों की फिल्म है और आज का युद्ध रामायण से कहीं दूर होता जा रहा है, तो मोटू पतलू के स्टाइल में आप आज के युद्ध को कैसे कनेक्ट करेंगे? कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, ये मूल मंत्र है जो फिल्म आ रही है 3D मोटू पतलू किंग ऑफ किंग्स। ये मैसेज रामलीला से भी जुड़ा हुआ है, यहाँ तक कि रामलीला से ही प्रेरित है, क्योंकि कोशिश करते करते हनुमान जी समुंदर को लांग गए थे। इसी को हम बहेंगे जय बजरंग बली। जय बजरंग बली, जय हो। तो कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, हिम्मत करने वालों की निश्चित जीत होती है। हमारी फिल्मों में आप यही देखेंगे। बड़े बूढ़ों से, बच्चों से, सभी से गुजारिश है, पेरेंट्स से गुजारिश है, हाथ जोड़ के गुजारिश है कि आप लोग अपने बच्चों को लेकर जरूर आना, क्योंकि हम बाकी जो कार्टून फिल्में हैं वैसा नहीं, कुछ अलग करके दिखाएंगे। थैंक यू। मोटू पतलू की जो आवाज़ है, या फिर आपकी फिल्म में जितने भी कैरेक्टर्स की जो आवाज़ है, वो सारी आवाज़ आपकी है? सीरियल में जितनी आवाज़ है वो सारी आवाज़ मेरी है, लेकिन इसमें एक जो विलेन है गुड्डू, विनय पाठक है, कबीर बेदी है, उसके बाद बाकी आवाज़ें मेरी है। और यूँ समझिए कि मोटू पतलू के अंदर मैं हूँ और मेरे अंदर मोटू पतलू है। अगर मोटू कहे तो ये जो सौरभ भैया है, ये जो सौरभ भैया है, यही हमारी आत्मा है। थैंक यू। कितनी अलग है मोटू पतलू और कार्टून मूवी? मोटू पतलू कार्टून मूवी से इसीलिए अलग है क्योंकि बाकी कार्टून्स में जिद, बदमाशी, ज़्यादा बोली, ज़्यादा खेल, लेकिन इसमें हम सिखाते हैं सुबह उठो, ब्रश करो, माँ बाप की बात मानो, पेरेंट्स को मानो, हिम्मत करो, हौसला रखो और कोशिश करो, क्योंकि कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। इसीलिए मोटू पतलू पेरेंट्स भी देखते हैं, और पेरेंट्स चाहते हैं कि हमारे साथ बैठ के बच्चे भी देखें, और इसीलिए शायद हमें हर घर से प्यार मिलता है। हम कोशिश करेंगे कि और भी ज़्यादा मैसेज दें, हमारी फिल्म में भी आप यही देख पाएंगे। बच्चों को लेके जरूर आना, बच्चे तुम भी आना, बहुत मज़ा आएगा। हर घर में मोटू पतलू पॉपुलर हो गए हैं, लेकिन ऐसी क्या ज़रूरत आन पड़ी कि फिर आपको फिल्म बनाने की ज़रूरत पड़ गई? हर घर में पॉपुलर हो गई है, इसीलिए हर घर में मोटू पतलू, मतलब हम लोग पॉपुलर हो गए हैं, इसीलिए हमें फिल्म बनाने की ज़रूरत पड़ी, इसीलिए पड़ी, ताकि उन्होंने जो प्यार दिया है हमें और ज़्यादा प्यार मिले, और हम भी उन बच्चों को और ज़्यादा प्यार दे सके। इसीलिए हम आपसे गुजारिश करते हैं, 3D फिल्म बनी है और आप इसे देखने के लिए जरूर आए। मोटू पतलू फुरफुरी नगर, रामकुश रामलीला, जय हो। एक बार मोटू पतलू जय श्री राम बोलेंगे तो कैसे बोलेंगे? मोटू कहेगा जय श्री राम, जय बजरंग बली, जय श्री राम, जय बजरंग बली, जय राम कुश लीला रामलीला, जय हो। Thank you so much.